कांग्रेस की अंदरूनी सियासत का नजारा कल फिर हाथ खड़ा करके प्रदेश की आवाम को यह विश्वास दिलाया गया कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से विज्ञापन जब आते हैं तो विज्ञापन के दौरान टीवी चैनल, इसी के साथ हम लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। ये विज्ञापनों का कमर्शियल ब्रेक नहीं है, ये पॉलिटिकल ब्रेक है जो कुछ समय के लिए थमा है, फिर प्रदेश की जनता को वही सब सुनने को मिलेंगे। नकारा, निकम्मा, गद्दार, इन तीनों शब्दों की लोकप्रियता के बाद चौथा शब्द प्रदेश की जनता को फिर सुनने को मिलेगा। कांग्रेस की अंदरूनी कलह का नुकसान राजस्थान की जनता को हो रहा है, ना कांग्रेस के नेताओं को हो रहा है, ना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बड़ी घोषणाएं विधानसभा के पटल के ऊपर भी की, चुनाव के दौरान इनके अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने भी कर्ज माफी की घोषणा की, भ्रष्टाचार मिटाने की बात की थी और बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की थी, संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात की थी। लेकिन आज राजस्थान की इस भूमि के ऊपर जो भी लोकतांत्रिक तरीके से कोई आंदोलन करता है, चाहे वो बेरोजगार संघ हो, चाहे वो संविदा कर्मी हो और चाहे अन्य हो, जिनकी सलाखों के पीछे उनको भेजा जाता है और उनके आंदोलन को दबाया जाता है।